पाकिस्तान से भारत में एंट्री करने वाली सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में है। सीमा ने दावा किया है कि वह सचिन मीना से प्यार करती है, इस वजह से सरहद पार कर भारत आई है। अब इसके सरहद पार करने की कहानी में सीतामढ़ी का कनेक्शन सामने आया है। बीते दो दिनों से यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी के सवालों के घेरे में सीमा हैदर ने कई राज का खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत नेपाल के रास्ते पहुंची थी। सीमा नेपाल से सीतामढ़ी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा सीतामढ़ी के किस बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी, एजेंसी की जांच कर रही है। यह बात सामने आने के बाद सीतामढ़ी की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक किसी तीसरे व्यक्ति ने सीमा, सचिन और उसके बच्चे को बॉर्डर पार कराने में मदद की है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि सीमा हैदर एटीएस की पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब नहीं दे पाई है। जैसे उसने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन क्यों भेजी थी यह नहीं बताया। दूसरा सवाल, 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को ही उसने पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया। तीसरा सवाल, पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई और भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंका। इसके अलावा 70,000 के मोबाइल फोन को 2-3 दिन में ही क्यों फेंक दिया। ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब सीमा अभी नहीं दे पाई है।